सो गाइस, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं बोया माइक M1 की। इस माइक को मैंने परचेस किया है अमेजोन से, जो कि मुझे डिलीवर हुआ था इस पैकेजिंग में। तो चलिए गाइस, करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इन्फॉर्मेशन इस माइक के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली मैंने वीडियो सेटअप को कम्प्लीट करने के बारे में 4 वीडियोज अपलोड की है, जिनमें मैंने आप लोगों को रिंग लाइट के बारे में बताया है, पर्दों के बारे में बताया है, RGB लाइट के बारे में बताया है, और इन तीनों चीजों को यूज करके आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस बोया माइक M1 के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि आपका फोकस जो है वो सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर रहे और आप बेटर से बेटर वीडियोस क्रिएट कर पाओ। सो गाइस, बोया माइक M1 का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें बोया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और इस बॉक्स के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। अभी हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमें इस बॉक्स में क्या क्या मिला है। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक ट्रैवलिंग बैग देखने को मिलता है, जिसमें हमारा माइक और बाकी सारे इक्विपमेंट्स है। उसके बाद हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। ये यूजर मैनुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूजर मैनुअल में इस माइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गाइस, जब भी हम इस ट्रैवलिंग बैग को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। ये ट्रैवलिंग बैग आर्टिफिशियल लेदर से बना हुआ है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस, यहाँ पे हमें एक प्लास्टिक पाउच में क्लिप देखने को मिलती है, बैटरी देखने को मिलती है और 4-पोल वोल्ट प्लग देखने को मिलता है। और गाइस, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हमारा माइक। यहाँ पे हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, जो कि पहले से ही पावर मॉड्यूल से कनेक्टेड है। और ये है हमारा पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल के अंदर एक बैटरी फिट की जाती है और इसी पावर मॉड्यूल के ऊपर हमें एक बटन देखने को मिलता है। इस बटन की मदद से हम दो अलग अलग मोड्स में स्विच कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन मोड या कैमरा मोड। आप जिस डिवाइस के जरिए वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं इन सभी छोटे छोटे चीजों को अपने माइक्रोफोन के साथ असेंबल कर लेता हूँ। सो गाइस, ये जो 4-पोल गोल्ड प्लग है, ये बेसिकली लैपटॉप, PC और कैमरास के लिए काम में आती है, और हमारे स्मार्टफोन के लिए ये 3.5 mm वाली पिन वो काम में आती है। जिस तरह से हम कोई ईयरफोन यूज करते हैं, सेम उसी तरह से हम इस माइक को हमारे स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हैं। गाइस, इस माइक को मैंने अपने YouTube वीडियोस के लिए परचेस किया है, अपने वीडियोस को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए और उनको वॉइस ओवर देने के लिए। और इस माइक को मैं पिछले कुछ महीनों से यूज कर रहा हूँ और इन महीनों में मुझे इस माइक की कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बात करते हैं गाइस इस माइक की नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के बारे में, तो इस माइक की नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि काफी हद तक नॉइज कैंसिल हो जाता है। बट फिर भी बच्चों के खेलने की, गाड़ियों के हॉर्न की, या हमारी गली में जो फेरी वाला आता है उसकी, इन सभी आवाजों को ये माइक कैप्चर कर लेता है। गाइस, अगर आप इस माइक के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो गाइस आप इसी वीडियो की आवाज के जरिए इस माइक की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हो। गाइस, इस माइक की दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली चीज है इस माइक के वायर की लेंथ, जो कि बहुत लंबी है। अगर आपका कैमरा सेटअप बहुत दूर है, तो फिर भी आप इस माइक को यूज करके अपनी आवाज को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। और गाइस, इस चीज को देखने के लिए आप मेरे एप्स वर्कआउट वाली वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैं कैमरा से बहुत ज्यादा दूर था और पूरी वीडियो में मैं इस माइक को अपने हाथ में पकड़ के सारे वर्कआउट समझा रहा था। और गाइस, दूसरी चीज जो मुझे इस माइक की अच्छी लगती है, वो ये है कि ये माइक सभी रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स की इंटेंसिटी को इक्वली मेंटेन रखता है। तो गाइस, जब भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो मैं पूरे ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड नहीं करता, मैं ऑडियो को अलग अलग ऑडियो क्लिप्स में रिकॉर्ड करता हूँ। तो कभी कभी एकाधी ऑडियो क्लिप में आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है और दूसरी ऑडियो क्लिप में आवाज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो आवाज की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाती है, इसको ये माइक एक लेवल में मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो इस माइक की ये दो प्रॉपर्टीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, इस माइक को मैंने परचेस किया था अमेजोन से 779 रुपीज में, जो कि मेरे ख्याल से एक डिसेंट प्राइस है। और अभी इस माइक की प्राइस चल रही है 750 रुपीज। गाइस, इस माइक को यूज करने से पहले मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आवाज के बारे में काफी कंप्लेंट आती थी, जैसे आवाज बहुत कम है या आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पर अभी आवाज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिलती। सो गाइस, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको इस बोया माइक M1 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, और आशा करता हूँ गाइस कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। गाइस, अगर आपको ये माइक पसंद आया है और आप इसको परचेस करना चाहते हो, तो इस बोया माइक M1 का परचेसिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।